नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी आज किस तरह से ट्रेड किया और कल किस तरह से ट्रेड कर सकता है। दोस्तों, मैंने बैंक निफ्टी का एक घंटे का चार्ट लगा रखा है। तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि 340 इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। अगर हम इसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारा टारगेट 42,720 और 42,900 तक का हो सकता है, जो कि आज बैंक निफ्टी गैप अप खोला और एग्जैक्ट 42,720 से रिटर्न हो गया। दोस्तों, बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के दिन जो बुलिश मोमेंटम बनाया था वो आज पूरा का पूरा एक तरह से कैंसिल हो गया है। आज बैंक निफ्टी ने एक बियरिश कैंडल फॉर्म की है डेली टाइम फ्रेम पे। दोस्तों, ये मैंने पकड़ रखा है एबीसीडी पैटर्न। इसका जो पीआरजेड एरिया है ये 41,000 पे आ रहा है। ये एक्टिवेट तब होगा दोस्तों जब हम 41,570 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो हम 41,000 तक जा सकते हैं। कल के लिए दोस्तों हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 42,000। 42,000 के नीचे अगर हम क्रॉस करते हैं तो ये तीन चार दिन के जो एसएल लगे हुए हैं ये एसएल कटेंगे और एक बहुत ही फास्ट मूव देखने को मिलेगा, जो कि हमारा टारगेट मिल सकता है 42,570 तक का। तो कल के लिए हाई प्रोबेबल 42,000 के नीचे। 42,000 के नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी निकलता है हम एंट्री लेंगे और सीधा हमें टारगेट मिलेगा 42,580-570 तक का। दोस्तों, अप साइड में जब तक 42,900 के ऊपर क्लोज नहीं करते हैं तब तक हमें बढ़िया मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 42,900 एक फिबो लेवल है जो कि है 0.618 लेवल, और ये यहाँ से इस रेंज का लो है जो कि इसने काफ़ी देर सस्टेन किया था इस लेवल पे। तो अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा और ऊपर हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है। तो ऊपर की साइड में हम क्वांटिटी कम रखेंगे और नीचे की साइड में अगर हम 42,000 के नीचे क्रॉस करते हैं तो हम फुल क्वांटिटी से जा सकते हैं। टारगेट हमारा 41,580 और 41,000 तक के हो सकते हैं। दोस्तों, मैंने टाइम फ्रेम लगा लिया 50 मिनट का। अभी देखते हैं दोस्तों, कल अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाता है 42,000 के आसपास तो हम फर्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है, यहाँ से हैमर कैंडल बनती है, तो उसी कैंडल के लो का एसएल लगा के ऊपर की तरफ जा सकते हैं और टारगेट हमारे 42,330 और 42,720 तक के हो सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप खुल जाता है 42,340 के ऊपर तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो हम उसके हाई के ऊपर एंट्री लेंगे और जा सकते हैं 42,720 और 42,900 तक के लिए। अदरवाइज बैंक निफ्टी यहाँ से कोई बुलिश कैंडल पैटर्न बनाता है जैसे शूटिंग स्टार, तो हम उसी कैंडल के लो के नीचे एंट्री लेंगे और हाई का एसएल लगा के हम टारगेट ले सकते हैं 42,000 और नीचे 41,580 तक के। दोस्तों, आपने अभी तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, ये 42,340 का जो लेवल है ये फिबोनाची नंबर है एक। इस स्विंग हाई तक फिबोनाची ड्रा किया तो ये एग्जैक्ट 0.618 लेवल आ रहा है 42,330 से 340 के बीच में। फिबोनाची का 0.50 से लेकर 0.618 लेवल जो कि एक गोल्डन बाइंग जोन होता है, इस बाइंग जोन को हमने रिजेक्ट करके हम नीचे की तरफ आ गए हैं। दो दिन हम इसके नीचे सस्टेन किया हमने, आज हम ऊपर गए लेकिन फिर से हम 0.618 लेवल के नीचे आ गए। तो इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी बियरिश है। अब हमारे लिए लास्ट लेवल है 0.786 जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट होता है। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। तो दोस्तों, हम नज़र बना के रखेंगे कल के लिए 42,000 पे। अगर 42,000 कल ब्रेक होता तो एक बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है डाउनसाइड में। दोस्तों, अगर आपको फिबोनाची के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो मैंने एक वीडियो बना रखा, चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है कि हमें कौन कौन से लेवल देखने हैं और कौन कौन से लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर कल बैंक निफ्टी बड़ा गैप डाउन खुल जाता है 41,500 के आसपास तो फिर हम वेट करेंगे। यहाँ से प्राइस रिवर्स भी हो सकता है और अदरवाइज नीचे की तरफ फॉल भी हो सकता है। फिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएगा 41,570। अगर बैंक निफ्टी कल बड़ा गैप अप खुलता है 41,720 या 900 के आसपास तो दोस्तों यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि बड़ा गैप अप खुलने के बाद ऊपर की तरफ जाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ से दो तीन बार प्राइस रिजेक्ट हो चुका है। अगर यहाँ पर कोई बियरिश कैंडल शूटिंग स्टार होती है तो हम उसी के लो के नीचे एंट्री लेंगे और उसी के हाई का एसएल लगा के हम टारगेट 42,330 और 42,000 तक जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।